हेलो एंड वेलकम। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सो हमने लास्ट क्लास में कुछ इशू के कारण लास्ट क्लास में प्लान था कि टाइप टू के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया जाए, बट लास्ट क्लास में कुछ इशू के कारण फिर हम लोगों ने दूसरे केस को नहीं किया था। और आज इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन का बेसिस होने वाला है, हमने पहले टाइप पे When the events are mutually exclusive, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हमने किया। ओवरऑल 17 क्वेश्चन है जो हमने इस टाइप के अंदर किया। अब इसी टाइप में एक दूसरा टाइप है, When the events are not mutually exclusive। तो मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कोई दो इवेंट के बीच एक ऐसा कॉमन इवेंट या कॉमन आउटकम आ जाए तो हम बोलेंगे इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब हम कुछ और कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इस कंसेप्ट को समझेंगे एंड उम्मीद करते हैं कि आज ये हमारा टाइप टू का लास्ट क्लास होगा प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। क्लियर है ना? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। ये मैंने आपको जब मैं एडिशन थ्योरम का इंट्रो आपको बता रहा था तो मैंने इसको वहां पे भी बताया था, और इसी क्वेश्चन को लेके मैंने आपको समझाने का कोशिश किया था द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली व्हेन द इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चलिए फिर से एक बार कोशिश करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए, बोला जा रहा है अ बैग कंटेंट 30 बॉल्स। कोई एक बैग है, इसमें 30 बॉल्स है। क्लियर है ना? ऐसे होगा बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3, बॉल 4, इसी तरीके से कितना बॉल है, टोटल बॉल 30 है। अब आगे बोला जा रहा है अ बैग कंटेन 30 बॉल्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 30। तो हमने नंबरिंग कर दिया बॉल को। 1 is to be drawn at random। अगर एक बॉल को रैंडमली निकाला जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द That in the first draw it is a multiple of 5 or 7। तो इसका कितना chances है कि ये जो first draw, जो पहला हम लोग random selection कर रहे हैं, ये random selection में जो ball आए वो या तो 5 का multiple हो या तो 7 का multiple हो, इसका कितना probability है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को क्या निकालना है, probability of being multiple of 5 or 7। अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, नंबर क्या है हमारा, 1 से लेके 30 तक बॉल का जो नंबरिंग किया गया है, जब हम एक बॉल इस बैग से निकालेंगे तो ये जो बॉल पे नंबरिंग बेसिकली किया गया है, ये नंबर किसके किसके बीच में आएगा? तो आप बोलोगे सर 1 से 30 के बीच में नंबरिंग किया गया है। तो बॉल का जो नंबर आएगा जब हम एक बॉल को निकालेंगे तो वहां पे भी जो नंबर होगा वो 1 से 30 के बीच में होगा। क्लियर है ना? तो अब आपको सोचना है, डायरेक्ट आपको सोचना है कि हम लोगों को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब ये जो बॉल का नंबर होगा वो मल्टीपल होगा या तो 5 का या फिर 7 का, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है। तो अब आपको सोचना है कि क्या 1 से 30 तक कोई ऐसा कॉमन मल्टीपल आ रहा है जो कि 5 का भी मल्टीपल है और 7 का भी। तो आप बोलोगे नहीं सर, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि मल्टीपल हो 5 का और 30 का। क्लियर है ना? ओनली वन, नो एनी, कोई ऐसा आउटकम या कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो फिर ये केस क्या हो गया, ये फिर से कौन सा केस हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस। तो अगर हमको इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मल्टीपल ऑफ 5 और 7 निकालना है तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मल्टीपल ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मल्टीपल ऑफ 7। अब आप मेरे को बताओ कि 5 का मल्टीपल 1 से लेके 30 तक में कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 5 5 = 25, 5 6 = 30। तो आप बोलोगे सर टोटल 6 नंबर है जो कि मल्टीपल होंगे 5 के 1 से 30 के बीच में। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 6 by 30, मतलब टोटल 6
बेसिकली नंबर है जो कि फेबर करेंगे, फेबर करेंगे बोलने का मतलब क्या, जो कि 5 के मल्टीपल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 6/30। इसी तरीके से 7 का क्या क्या हो जाएगा, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28। तो 4 ऐसे नंबर हैं जो कि मल्टीपल है 7 पर, तो 1 से 30 के बीच में 7 का मल्टीपल आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे 4/30, दैट इज 10/30 एंड दिस इज इक्वल टू 1/3। क्लियर है? अब सेकेंड क्वेश्चन इसी में देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है इन द सेकेंड ड्रॉ, जब फिर से दोबारा निकाला गया कोई एक बॉल को निकाला जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द मल्टीपल ऑफ 7 और मल्टीपल ऑफ 3। इसका क्या चांसेज है कि जो नंबर आएगा वो मल्टीपल होगा या तो 7 का या तो 3 का। तो अब आप सोचो क्या कोई ऐसा नंबर है 1 से 30 के बीच में जो कि 3 और 7 दोनों का मल्टीपल हो, तो आप बोलेंगे यस सर दैट इज 21। एक नंबर ऐसा है, तो अब आपको क्या पता चल गया कि दिस इवेंट, ये जो दोनों इवेंट है वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके सावधानी से बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 7 के मल्टीपल को आप लिख लेंगे जो कि 1 से 30 के बीच में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 14 21 28। इसी तरीके से 3 का मल्टीपल आप लिख लेंगे जो कि 1 से 30 के बीच में आएगा, तो क्या क्या हो जाएगा 3 6 9 12 15 18 21 24 27। क्लियर है ना? अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है वही सेम चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3 और 7। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोस नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दोस नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 7 माइनस, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि 7 और 3 का जो मल्टीपल है उसमें एक ऐसा आउटकम है या फेवरेबल आउटकम दोनों का है, एक ऐसा है जो कि दोनों में है या कॉमन है। तो मैंने आपको क्या बोला था, इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, तो इंटरसेक्शन वाला। इसका मतलब क्या हो गया, जो 3 और 7 का इंटरसेक्शन होगा उसका कितना प्रोबेबिलिटी है ये निकाल के हम लोग माइनस करेंगे। तो अब आप बताओ 3 का मल्टीपल होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर टोटल 30 है और 30 में टोटल कितना हो सकता है जो कि 3 का मल्टीपल हो, फेवरेबल लिस्ट में कितना आ सकता है, तो आप क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप बोलेंगे सर 3 के मल्टीपल होने का कितना चांसेस है 9/30। उसी तरीके से 7 का मल्टीपल होने का कितना चांसेस है, तो आप क्या बोलेंगे 1 2 3 4 दैट इज 4/30 माइनस 3 इंटरसेक्शन 7। तो आप देखिए 3 इंटरसेक्शन 7 दोनों का कितना ऐसा केस है जो कि कॉमन है, तो आप बोलेंगे एक नंबर तो एक ही है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, फेवरेबल केस तो एक ही है दैट इज 21। जब 21 आएगा तभी लग रहा है क्योंकि वो 3 का भी मल्टीपल है और 7 का भी मल्टीपल है, तो वो क्या हो जाएगा 1/30 इसका प्रोबेबिलिटी आ गया। अब देखिए 9+4 दैट इज 13/30 -1/30 और ये क्या हो जाएगा 12/30 दैट इज 2/5। क्लियर है? तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बीइंग मल्टीपल ऑफ 3 और 7। क्लियर है? आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए,
क्या बोला जा रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉन्ट्रैक्टर विल गेट अ प्लंबिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 2/3। बहुत ही सावधानी से समझना है। अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी और हम लोगों को क्या बोला जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉन्ट्रैक्टर, कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है और वो उसको प्लंबिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उसका प्रोबेबिलिटी हम लोगों को 2/3 दिया है। तो फॉर एन इंस्टेंट अभी मान लेते हैं कि इवेंट पी डॉट बी है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्लंबिंग कॉन्ट्रैक्ट पीसी मान लेते हैं, तो इसका वैल्यू कितना दिया है हम लोगों को 2/3। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी पी ई डॉट सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5/9। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही बारीकी से समझना है इस बात का वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट बोलने का मतलब क्या हो गया, या तो प्लंबिंग या तो इलेक्ट्रिक। अगर हम आपको वर्ड्स में बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, सर या तो प्लंबिंग कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलेगा और या तो इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज 4/5। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ, आप इसको टिक मार लेंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब बोला जा रहा है कि इसका कितना प्रोबेबिलिटी है कि उसको दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिले, दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिले बोलने का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्लंबिंग कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज, जो कि हम लोग एंड लिख सकते हैं, प्लंबरिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट, यही हम लोगों को इसका वैल्यू को फाइंड आउट करना है, निकालना है। अब आप मेरे को बताओ, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि पी ए और बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन इंटरसेक्शन बी। तो अगर हम इस फॉर्मूला में सेटअप करें तो क्या हो जाएगा, पी पी डॉट सी और ई डॉट सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्लंबिंग कॉन्ट्रैक्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ प्लंबिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरे को किसका किसका वैल्यू दिया है, तो आप बोलेंगे इसका वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 4/5, इसका वैल्यू दिया हुआ है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्लंबिंग कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 2/3। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 5/9 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ कॉन्ट्रैक्ट, यही हम लोगों को निकालना है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टू बाई थ्री प्लस 5/9 माइनस 4/5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, जो भी वैल्यू होगा वही प्रोबेबिलिटी होगा उसको दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। क्लियर है ना, आई होप आप सभी समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉन्ट्रैक्टर विल गेट अ प्लंबिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 2/3। फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसका प्रोबेबिलिटी दिया है कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को प्लंबिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आपको दिया है दैट इज इक्वल टू 2/3। आगे क्या बोला जा रहा है कि एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट गेट एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही बारीकी से समझना है, इसको भी टिक मार लेना है।
इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग अगर पहले लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा लिखते थे, तो अभी इसका वैल्यू हम लोगों को नहीं दिया हुआ है। हम लोगों को क्या दिया हुआ है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? दैट इज 5/9। अब आप मेरे को बताओ, मैंने आपको बताया था एक चीज कि अगर नहीं होने का दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहां से ये निकाल सकते हैं कि उसको मिलने का चांसेस या प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दैट इज 1-5/9, दैट इज इक्वल टू 4/5। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही बारीकी से समझना है, फिर से एटलीस्ट लग गया। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। तो कम से कम उसको एक, कोई ना कोई एक मिलेगा, इसका कितना चांसेस है? तो उसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, और इसका वैल्यू क्या है? तो दैट इज 4/5। और फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई साहब आप बताओ मेरे को, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ, इसका मतलब क्या हो गया? He will get both plumbing contract as well as electric contract. इसका कितना value होगा? तो अब देखिए आपके पास सारा data आ गया है। अब फिर से आप formula में setup करेंगे and answer को लाएंगे। तो ये forming करके आपको बनाना है, आपके लिए है ये rent work के रूप में। clear है ना? चलिए हम लोग next question पे move करते हैं। बोला जा रहा है 21 नंबर कि अ सेल्समैन इज नोन टू सेल अ प्रोडक्ट, बहुत ही बारीकी से समझना है ये सब क्वेश्चन, थोड़ा सा आपका ब्यूटी जो बोला जाता है, ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन में मोर और लेस डाटा डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा, बट ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आपको डाटा को निकालना होगा, आपको डाटा का वाई या फिर डाटा कुछ दूसरे फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। क्लियर है ना? तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 21 नंबर कि अ सेल्समैन इज नोन टू सेल अ प्रोडक्ट इन 3 out of 5 अटेम्प्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई साहब कि कोई एक बंदा है जो कि 5 अटेम्प्ट में 3 बार किसी प्रोडक्ट को बेच देता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज हिज एफिशिएंसी ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट, तो आप क्या बोलेंगे कि टोटल अटेम्प्ट कितना हो रहा है? 5, जिसमें से 3 पॉजिटिव है, मतलब 3 में वो प्रोडक्ट को सेल कर देता है, तो आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग फर्स्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे दैट इज इन 3 attempt out of 5 ही इज सेलिंग द प्रोडक्ट, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 3/5। क्लियर है ना? इसी तरीके से देखिए, व्हाइल एन अदर सेल्समैन इज 2 out of 5, उसी तरीके से एक दूसरा सेल्समैन का दिया हुआ है, आप यहाँ पे फर्स्ट सेल्समैन कर लेंगे, प्रोडक्ट सेम है बेसिकली, सेलिंग बाय फर्स्ट सेल्समैन, इसका कितना प्रोबेबिलिटी हो गया कि प्रोडक्ट सेल किया जाएगा पहले सेल्समैन के द्वारा? तो 3/5। इसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछूं कि प्रोडक्ट सेल किया जाएगा बाय सेकेंड सेल्समैन, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है? तो आप क्या बोलेंगे कि उसका वो 5 अटेम्प्ट वो भी करता है, लेकिन वो 5 अटेम्प्ट में 2 बार ही प्रोडक्ट को बेच पाता है, तो इसका कितना आप बोलेंगे प्रोडक्ट बेचने का प्रोबेबिलिटी हो गया 2/5। अब आगे क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है नो सेल्स विल बी इफेक्टिव व्हेन ही ट्राई टू सेल द बोथ प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या कि आप प्रोबेबिलिटी निकालिए जब सेल इफेक्टिव नहीं हुआ है, जब दोनों ने ट्राई किया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कितना चांसेस है कि पहले वाला भी अगर प्रोडक्ट को बेचे तो वो भी नहीं बेच पा रहा हो, एज वेल एज नन ऑफ दीज टू आर एबल टू सेल द प्रोडक्ट, कोई भी नहीं बेच पा रहा प्रोडक्ट को,
तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये पूरे को हम लोग ए मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या वैल्यू दिया हुआ है, पी ए। ए मतलब क्या हो गया कि वो प्रोडक्ट को बेच पा रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 3/5। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको बी मान लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दैट बी विल सेल द प्रोडक्ट कितना आ गया 2/5। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है भाई साहब मन ऑफ देम ना तो ए बेच पाए ना तो बी बेच पाए, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है। तो आप खुद सोचे, ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का एग्जाम्पल एक्चुअली हो गया। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, इसका बोलने का मतलब क्या होता है कि ना तो ए बेच पाए दैट इज ए डैश, एंड ना तो बी बेच पाए क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, सेल इज नॉट इफेक्टिव, इसका कितना प्रोबेबिलिटी होगा। अगर सेल इफेक्टिव नहीं होगा, इसका बोलने का मतलब क्या कि ना तो ए, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि तो ना तो ए प्रोडक्ट बेच पाया होगा ना तो बी प्रोडक्ट, तभी तो सेल पूरा का पूरा नॉन इफेक्टिव हुआ होगा। अब ये कब हो सकता है, तो सिंपल सा आप समझो, पी ए डैश एंड पी बी डैश इज इक्वल टू इसका मतलब क्या हुआ कि सेल इफेक्टिव ना हो, इसके लिए जरूरी है कि पहला वाला जो एक प्रोडक्ट बेच रहा है वो भी ना बेच पाए, उसका कितना प्रोबेबिलिटी है, इनटू दूसरा वाला भी नहीं बेच पा रहा है इसका कितना प्रोबेबिलिटी है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। आप पूछेंगे सर यहाँ पे ऐड क्यों नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, तो आप देखो ये थोड़ा सा कंपल्सिव नेचर का हो गया है, यहाँ पे लिमिटेशन लग गया, नो वन इज एबल टू सेल द प्रोडक्ट, सेल इज नॉट इफेक्टिव। तो सेल तभी नहीं इफेक्टिव हो सकता जब ना तो ए बेच पाए, साथ ही साथ ए के साथ साथ बी भी नहीं बेच पाए, क्लियर है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपल्सिव नेचर का हो गया, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव थ्योरम। जहां अब यहाँ पे क्या हो गया, तो पी ए डैश इंटू पी बी डैश, इसका मतलब क्या हो गया कि नाइदर ए इज एबल टू सेल द प्रोडक्ट एज वेल एज नाइदर बी इज एबल टू सेल द प्रोडक्ट, क्लियर है ना। तो आप और नेक्स्ट एक्सरसाइज में इससे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको परेशान नहीं होना, आप धीरे धीरे समझ पाएंगे, बट अभी थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करो कि ये थोड़ा सा कंपल्सिव नेचर का है। कंपल्सिव बोलने का मतलब क्या कि दोनों साथ साथ ही होना है, ये एडिशन वाला नहीं है। यहाँ पे क्या नेचर है कि ए के साथ साथ बी भी नहीं बेचा जाना चाहिए, क्लियर है। तो इसलिए हमने क्या किया, पी ए डैश एंड पी डैश का प्रोबेबिलिटी निकालना था, और जैसे ही एंड लगा तो हमने मल्टीप्लाई का सिंबल दे दिया। अब आप मेरे को बताओ पी ए डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर पी ए का वैल्यू 3/5 है तो आप बोलोगे सर जी दैट इज इक्वल टू 1 - 3/5। फिर मैं आपसे पूछूंगा पी बी डैश का वैल्यू बताओ, जब पी बी का वैल्यू उतना है तो आप क्या बोलेंगे, सर पी बी डैश का वैल्यू 1 - 2/5। अब ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 1 - 3/5 दैट इज 2/5 इंटू 1 - 2/5 दैट इज 3/5। अब ये क्या हो गया 6/5, क्लियर है। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेल विल बी नॉट इफेक्टिव एंड नो वन विल बी एबल टू सेल द प्रोडक्ट व्हेन दे बोथ आर ट्राइंग टू सेल द प्रोडक्ट, क्लियर है ना। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आइदर ऑफ देम विल सक्सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला जा रहा है कि आइदर ऑफ देम मतलब सक्सीड कर जाएगा इस बार, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है। जैसे ही आइदर लग गया तो हम लोगों को क्या समझना है, आइदर मतलब और वाला कंसेप्ट आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि या तो ए बेच दे और बी बेच दे, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है। तो इसका क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। अब इसका वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे, आई होप आप लोग ये तो निकाल सकते हो, बहुत ही इजी है, क्लियर है ना। तो एक बार कोशिश करके आप लोगों को खुद से देखना है।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है कि इन अ बिजनेस अ मैन कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 3000 विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6। तो आप अब खुद सोचो कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बेसिकली क्या होता है कहानी कि देयर आर सम एक्सपेक्टेशन एंड दिस एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू क्या। तो आप एक्सपेक्टेशन मोल भाव करके करते हो कि भाई साहब मेरे को इतना प्रॉफिट होगा या फिर इतना लॉस होगा इतना कॉस्ट में ये। तो आप सारे सर्कमस्टांसेस को जो भी प्रॉफिट हो रहा है प्लस जो भी लॉस हो रहा है उन दोनों को आप कैलकुलेट करके अपना एक्सपेक्टेशन बताते हो कि आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मच, कि मैं इतने का एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं कि इस बार इतने का होने वाला। बट मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि बेसिकली यहां पे जो एक्सपेक्टेशन है वो आप दोनों को देख के कैलकुलेट कर रहे हो, क्लियर है ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि इन अ बिजनेस अ मैन कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 3000। कोई एक बंदा है एंड ही इज अ मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 3000, वो 3000 का प्रॉफिट मेक कर रहा है विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6। उसने कैलकुलेट कर लिया कि भाई साहब मेरे को इस बिजनेस में 3000 प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.6, एंड और टू टेक अ लॉस ऑफ 1000 विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4। ही इज आल्सो कैलकुलेटिंग हिज लॉस कि व्हाट इज द चांसेस। तो वो बोल रहा है भाई साहब 1000 का लॉस लगेगा और इसका कितना चांसेस है तो 0.4। तो पूछा जा रहा है आपसे व्हाट इज हिज एक्सपेक्टेशन, उसका एक्सपेक्टेशन कितना है आप ये बताओ मेरे को। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे 3000 इंटू 0.6 दैट इज 6/10 प्लस 1000 इंटू 0.4 ये क्या हो जाएगा 4/10। अब आप मेरे को बताओ 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 6 3 18 100 प्लस 400। सो दिस एक्सपेक्टेशन इज अबाउट 2200 ओवरऑल। वो 2200 का एक्सपेक्टेशन कर रहा है। आप बोलोगे सर आप 2200 क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, तो जो ज्यादा होगा वही होगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं दैट इज प्रॉफिट मेकिंग, आप देखोगे तो 0.6 एज वेल एज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वो भी कितना है, वो भी 3000 है, दैट इज ग्रेटर देन 1000, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 क्या है, व्हाट इज द चांस ऑफ ड्रॉइंग अ किंग और अ स्पेयर फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड। अब बहुत ही ध्यान से बताना है, आपसे पूछा क्या जा रहा है व्हाट इज द चांस ऑफ ड्रॉइंग अ किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग और अ स्पेयर। बहुत ही ध्यान से आपको समझना है बातों को, इसका कितना प्रोबेबिलिटी होगा अगर एक पैक ऑफ कार्ड से एक कार्ड को ड्रॉ किया जा रहा है निकाला जा रहा है। तो आप मेरे को बताओ बहुत ही ध्यान से, हम किस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग और अ स्पेयर। तो पहला बेसिक ये तो होगा ही होगा दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेयर। अब आगे आता है कि क्या इन दोनों में कुछ कॉमन रिलेशन है, तो आप बहुत ही ध्यान से याद कीजिए। मैंने आपको बताया था कि स्पेड डायमंड क्लब हार्ट ये चार कैटेगरी है और इस चारों का वैल्यू कितना कितना नंबर होता है 13 13। और इस 13 में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली एक किंग होता है एक क्वीन होता है एक जैक होता है और एक एग होता है। तो आप बताओ कि ये जो किंग होगा बेसिकली ओवरऑल 52 कार्ड्स में कितने किंग होंगे, चार किंग होंगे, लेकिन एक किंग क्या होगा स्पेड वाला होगा, मतलब
म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाला केस हो गया, तो हम लोग माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड अ स्पेड। आप यहाँ पे इंटरसेक्शन भी लगा सकते हो एक एंड के जगह। अब आप मेरे को बताओ किंग होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर टोटल कार्ड का नंबर कितना है 52 एंड आउट ऑफ दिस 52 कार्ड्स देयर आर ओनली 4 कार्ड्स ऑफ किंग्स, तो किंग आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 4/52 प्लस स्पेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे टोटल 52 कार्ड्स में 13 कार्ड स्पेड का होता है, so probability of getting a spread card in a pack of card is equal to 13/52 minus probability of getting a king and a spread। इसका मतलब क्या हुआ कि king of a spread आने का कितना probability होगा, तो आप मेरे को बताओ कितना common number आ रहा है, तो आप बोलेंगे इसमें और इसमें सिर्फ basically एक ऐसा card है जो कि king भी है और जो कि spread का भी part है, that is king of a spread है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/52। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे ये क्या हो जाएगा 17/52 माइनस 1/52 दैट इज 16/52 और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 8/26 दैट इज 4/13। क्लियर है, सो दिस इज द आंसर। सो आपको अप्रोच धीरे धीरे करना है, आपको जैसे क्वेश्चन को आप देखो परेशान नहीं होना है क्योंकि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बेसिकली इजी आएगा, बट आपको बेसिक स्टार्ट करना है और धीरे धीरे क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करना है। सो दिस वाज 23। अब 24 और 25 इसमें बचा है, सो दिस इज योर रेंट वर्क, आप इसको बनाने का कोशिश करें, अगर आपसे नहीं बनता है देन आप मेरे से पूछ सकते हैं, एक बार आप पूछ लेंगे, बट आई एक्सपेक्ट कि आप लोग इसको बना लोगे, क्लियर है ना, तो एक बार कोशिश कीजिएगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं एंड यहाँ पे हमारा टाइप 2 खत्म हो गया। अब बेसिकली हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को बनाएंगे जहां पे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का यूज आएगा, और मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या है बेसिकली, जहां पे कंपल्सरी नेचर का होगा इसके साथ साथ ये भी हो रहा है इसका कितना प्रोबेबिलिटी है। यहां पे क्या था ए और बी, या तो ए हो या तो बी हो, लेकिन वहां क्या होगा ए के साथ साथ बी के होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम लोग उसके इसमें हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं पी ए एंड बी, एंड क्या जुड़ा है एंड साथ को दर्शा रहा है कि ए के साथ साथ बी भी होना चाहिए, ए और बी के होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इस केस में हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और कभी कभी एक केस आता है तो हम लोग इन सारी बातों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एंड बहुत ही मजा आने वाला है। आई होप कि अभी आपको चैप्टर्स समझ में आ रहे होंगे एंड आप इनको एंजॉय कर रहे होंगे, तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।